नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप YouTube से कैसे किस तरह से वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे फाइल मैनेजर में रख सकते हैं या MX प्लेयर में आप उसे देख सकते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं इंडियन टेक बडी। दोस्तों YouTube वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। एप्लीकेशन का आपको डाउनलोड करना है। तो जो भी आप ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसमें आपको जाके सर्च करना है स्नैपट्यूब, और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है दोस्तों। तो आप चाहे तो वहाँ से भी जाके आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्नैपट्यूब पे, मैं आपको दिखाता हूँ इसको ओपन करके। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो स्नैपट्यूब है यहाँ पे आ चुका है। बहुत ही छोटा सा फाइल है 7 MB का। इसको मैंने ऑलरेडी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं इसको अभी डाउनलोड नहीं करूँगा। तो आप सिंपली इसको डाउनलोड कर लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करके रख देना है। इस तरह से इसका जो सिंबल होगा मैं आपको दिखाई देता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं ये लाल कलर का ये हो रहेगा आपका। तो इसके बाद आपको दोस्तों जाना है यूट्यूब पर। इसके बाद आपको ऑन कर लेना है यूट्यूब को। तो आप देख सकते हैं ये आप जब ही आपके पास यूट्यूब ऑन हो जाएगा इस तरह से देख सकते हैं आप। इसको यूट्यूब आपको ऑन कर लेना है। यूट्यूब को ऑन करने के बाद आप जो भी वीडियोज़ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से इसको करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो ये सर यूट्यूब जो भी वीडियो आपको डाउनलोड करना है, तो मान लीजिए कि ये वीडियोस आपको डाउनलोड करना है। इसको वीडियो को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप इस साइड में शेयर का ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर भी आपको दिखने को मिल जाएगा या आप नीचे भी इसको शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। मेरा कनेक्शन थोड़ा स्लो है तो ये देख सकते यहाँ पर आपका शेयर का कनेक्शन मिल जाएगा। ये एरो जैसे आपको जो सीन दिखाई दी इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे ये नीचे आप इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें आप देखेंगे जो आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था स्नैपट्यूब, तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सिंपली आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे आप इसमें दोस्तों क्लिक करेंगे ये जो आपका लिंक है ये रिडायरेक्ट होके ये सीधा आपका जो लिंक है ये जनरेट हो जाएगा आपके उस स्नैपट्यूब में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग तरह के आपको बहुत सारे इसमें आपको क्वालिटी मिल जाता है। वो 144 का 244 का जो भी क्वालिटी में आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी MB आपको ठीक लगे। और इसको आप MP3 में भी डाउनलोड कर सकते हो। ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं सिंपली यहाँ पे 240, अगर आप नॉर्मली अच्छी क्वालिटी का देखना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 360 या 480 में इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे आप सिंपली इसको ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पर देखिए रिस्टार्ट डाउनलोडिंग यहाँ पे शुरू हो गया है। अब इसको देखने के लिए इस कॉर्नर में आप क्लिक करेंगे। जैसे आप कॉर्नर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डाउनलोडिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको शुरू हो गया है। तो इस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये आपको अगर देखना है ये कहाँ पर है तो सिंपली आपको मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद आपको जाना है फाइल्स मैनेजर में। फाइल्स मैनेजर में जाने के बाद इसमें आपको जाना है फाइल्स मैनेजर में। जाने के बाद इसमें आपको जाना है SD कार्ड में। SD कार्ड में जाने के बाद यहाँ पे आपको जो एंड्रॉयड का ऑप्शन दिखाया है उसमें जाना है। उसमें डाटा में जाना है आपको। डाटा में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको स्नैपट्यूब प्रीमियम बोल के एक ऑप्शन दिखाया देगा, उसमें आपको क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है फाइल्स में। फाइल्स में स्नैपट्यूब वीडियोज़ में आपको जाना है, और जितने भी वीडियोज़ आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे सारे वीडियोज़ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। और इससे डायरेक्ट भी अगर देखना चाहते हो तो ये आपको MX प्लेयर में भी शो हो जाएगा। आप जाएंगे सीधे MX प्लेयर में, मैं आपको दिखा देता हूँ। MX प्लेयर को आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सीधा आप जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे जो आपने डाउनलोड किया है वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ इस तरह से। तो इस यहाँ पर आप देख सकते ये स्नैपट्यूब लिखा हुआ है, मतलब कि जितने सारे वीडियोज़ मैंने स्नैपट्यूब से डाउनलोड किए हैं वो सारे ये वीडियो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको बड़ी ही आसानी से आप MX प्लेयर में भी देख सकते हैं, और फाइल्स मैनेजर में चाहे तो उस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी तो आप जानते हैं कि जो यूट्यूब में भी उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो ऑफलाइन होता है उसमें भी तो डाउनलोड किया जा सकता है। तो
ये अस्त के लिए दोस्तों इतना ही था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह से काम की वीडियो जो आपके लिए लाता रहता हूँ। और फाइनली दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।